हेलो गाइस, माइसेल्फ मनीष मित्तल फ्रॉम सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। ऑन बिहाफ ऑफ सूर्य स्कूल टुडे आई स्टार्ट माय चैप्टर नेम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉपिक स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड क्या होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? स्पेसिफिक फंड बेटा किसी स्पेशल पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से पैसा अलग से निकाल के रखना, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फंड। किसी खास पर्पज के लिए, जैसे स्पोर्ट्स के लिए पैसा अलग से निकाल के रखना, टूर्नामेंट के लिए पैसा अलग से निकाल के रखना, दैट इज द स्पेसिफिक फंड। अब जब फ्यूचर में इस तरह के आप काम करे कि आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आपके लिए लाइबिलिटी बनेगा, तो इसलिए आप इसको, क्योंकि कैपिटल के रूप में, कैपिटल रिसीव के रूप में अलग से निकाला जाता है, तो आप इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की आप इसे एज ऑन जो भी डेट होगी लाइबिलिटी साइड में आप इसको दिखाएंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। बैलेंस शीट की आप इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जैसे स्पेसिफिक फंड कैसे दिखाएंगे? स्पेसिफिक फंड है, आप इसमें ऐड करेंगे रिलेटेड इनकम। इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो आप इसमें ऐड कर देंगे, लेस करेंगे रिलेटेड एक्सपेंस, और जो आपका रिजल्ट है वो आप इधर दिखाएंगे। स्पेसिफिक फंड में जैसे आप मान लीजिए स्पोर्ट्स के लिए पैसा अलग से रखा, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनकम आप इसमें ऐड करेंगे और रिलेटेड खर्चे आप लेस करेंगे। टूर्नामेंट से का फंड आपने बनाया तो टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम आप इसमें ऐड कर देंगे और खर्चे आप इसमें लेस कर देंगे। रिजल्ट जो आएगा वो लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। अगर आपका जो ये एक्सपेंस है ये फंड और इनकम से ज़्यादा हो जाए तो इस एक्सपेंस में से फंड और इनकम माइनस होंगे। कहाँ दिखाए जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ दिखाए जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ध्यान देंगे। देखिए, कह रहे क्लब के आपको बैलेंस, एक क्लब के आपको बैलेंस शीट के अंदर स्पोर्ट्स फंड को दिखाना है। साल का एंड बताया गया 31 मार्च 2019 को। कुछ डाटा मैंने लिए हैं। स्पोर्ट्स फंड है 1 अप्रैल 2018 को 350, और इस फंड को आपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी 350 का है बेटे। इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर 30,000 का बेटे। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है 150 का बेटे। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड है 1 लाख का बेटे। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट है 40,000 का। आइए स्पोर्ट्स फंड, स्पेसिफिक फंड है इसलिए आप इसे लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। स्पोर्ट्स फंड डेट्स 350,000। इंटरेस्ट 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स हुई है। एसेट्स आप इधर दिखाएं, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ ये जो रेट है, इसके लॉजिक है कि 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट करना है, जो कि आपको 35,000 बने। यदि आपका इंटरेस्ट 35,000 से कम है तो आपको एसेट्स पर कम इंटरेस्ट मिला, अक्रूड इंटरेस्ट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप ऐड करेंगे अगर ये 35 से कम होगा। जैसे अभी देखिए, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, रिलेटेड फंड का इंटरेस्ट, इनकम क्या होती है? एड होगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके पास है 30,000। जबकि मैंने आपको कहा, बताया था इंटरेस्ट बना कितना आपका 35,000,
जो 5000 आपका कम रह गया है वो आप ऐड करेंगे ऐड अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 5000, 35000 अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए एसेट्स हो गया एसेट साइड में, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5000, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन रिसीवर, डोनेशन रिलेटेड इनकम हुई बेटा, रिलेटेड इनकम क्या करोगे ऐड करेंगे ऐड डोनेशन, डोनेशन आप ऐड कर देंगे जो कि आपका 1,50,000 का। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड, स्पोर्ट्स के प्राइज के लिए अवार्ड दिए, ये आपका रिलेटेड खर्चा होगा क्योंकि आप लेस करेंगे लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 1,00,000। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स पर किया गया खर्चा ये भी आपका खर्चा होगा लेस हो जाएगा, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 40,000। तो रिजल्ट रहा आपका यहां पर 5,35,000 माइनस 140, तो 140 गया तो आपके आ गया 3,95,000। डेट मीन्स आई होप यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।